में चल रहे पीरान पीर शीतला माता मेले में पुलिस की लापरवाही के चलते गुंडाई उठाई गिरोह की दहशत व्याप्त है। मेले में रविवार का दिन होने से सनावाद के अलावा आसपास के शहर एवं ग्रामों से आए नागरिकों की संख्या अधिक होने से एक बड़वा निवासी चाकूबाजी एवं लूट की घटना का शिकार हो गए। समय पर पुलिस चौकी पर कोई जवाबदेह नहीं होने से वह इत्तलाबी नहीं कर पाए। बड़वाह निवासी योगेंद्र राठौर अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे। जब वह मौत के कुएं के पास बने शौचालय गए तो वहाँ से चाकू दिखाकर 3500 रुपए और एंड्रॉइड मोबाइल लूट लिया। इस घटना में पीड़ित के हाथ में चाकू से चोट भी लगी है। मेले की चौकी पर मौजूद कांस्टेबल को इस बाबत बताया गया, परंतु वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। राठौर दोपहर 3 बजे बड़वाह से अपने परिवार के साथ मेला घूमने आए थे। मेले में घूमते हुए लगभग 5 बजे मेले में ही बने शौचालय में गए। जैसे ही शौचालय से बाहर निकले तो दो युवकों ने उन्हें धर दबोचा और चाकू गर्दन पर रख दिया। योगेश घबराने लगे और जेब से पैसे निकालकर दे दिए। आरोपियों ने उनसे हाथ से मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल छीनने में योगेश के हाथ की उंगलियां व अंगूठे पर चाकू की चोट लगी है। लुटेरों ने योगेश को पीटा और फरार हो गए। मेले में पुलिस चौकी पर शिकायत दर्ज कराने योगेश पहुंचा तो एक जवान ही मौजूद था। उसने उसको समझाइश देकर कहा कि पहले आप घर जाओ और अपने हाथ पर पट्टी करा लो। योगेश राठौर शरीर से विकलांग है। रात 9 बजे पुलिस ने फरियादी के आने के बाद रिपोर्ट दर्ज की। वहीं मेले के दुकानदारों ने बताया कि मेला अभी तक एक आरक्षक के निर्देशन में चल रहा है। यहाँ के लिए कोई व्यवस्था स्थायी पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है।